अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल ड्रीम हैक्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 15 है और आज का हमारा टॉपिक पावर पॉइंट पे है। चले हम इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे सर्च बार में आ जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे पावर पॉइंट, तो आपके पास पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स की डिज़ाइन ऑलरेडी गिवन है। जैसे ही आप ये पेज ओपन करेंगे तो लेआउट ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कस्टम में बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो देखें आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं। इनमें से मैं सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेती हूँ तो कुछ आपका लेआउट इस तरह का आएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने अपने थॉट और आइडियाज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना है तो आप प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बताते चलूँ कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल हमारे पास प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही किया जाता है। अगर आप आगे चलकर किसी कंपनी या ऑफिस में जॉब करेंगे, हो सकता है आप ऐसी जॉब करो जहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना है, लोगों को बात बतानी है, कुछ समझाना है, तो फिर आपको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी और यहाँ पर भी पावर पॉइंट का इस्तेमाल होगा। चले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो है जी, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्रिएटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली मैं आपको आज अपने पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके आगे किसी भी फील्ड में काम आ सकेगी। पावर पॉइंट में पेज को पेज नहीं स्लाइड कहा जाता है। चलें आप यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जाकर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लेआउट बहुत सारे देखेंगे स्लाइड्स के। इनमें से आप कोई भी चूज़ करके अपना डाटा या प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताते चलूँ कि पहला पेज आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके पास टाइटल और सब टाइटल का ऑप्शन दिया होता है। न्यू स्लाइड में दोबारा मैं आपके पास जाऊँ तो देखें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके पास सेकेंड वाली चूज़ की, देखें आपके पास इसके पास ऑप्शन जो इसका लेआउट अलग से आ गया है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने अगेन पहली बारी चूज़ करके यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है ना बोल्ड करने के बाद इसके थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद जो मैंने यहाँ पे क्लिक सब टाइटल लिखा हुआ है इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको बेसिकली एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी स्लाइड नंबर 1 हो गई जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लियर होगा। मैं अगेन से न्यू स्लाइड में जाकर सेकेंड वाली स्लाइड पर क्लिक कर लूँगी और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक और आपके पास स्लाइड आ गया जिसमें आपके पास टाइटल और एक एड टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर मैंने नोट पैड में पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ आइटम्स वगैरह चीज़ें नोट करके रखी हुई है ताकि मेरा टाइम बच सके। वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगी और पेस्ट कर लूँगी। माइक्रोसॉफ्ट के मुतालिक है इसीलिए मैं इसकी हेडिंग भी दे लूँगी अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, क्योंकि मैं इसी के मुतालिक अबाउट MS ऑफिस लिख दें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दें। अब इसको मैं सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ। अगर इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो बाद में भी चेंज हो सकता है। अगेन मैंने न्यू स्लाइड पर गई हूँ और न्यू स्लाइड पर जाके मुझे अब अगेन ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए क्योंकि मेरे पास रिटर्न फॉर्मेट ही है। तो मैंने अगेन अपने नोट पैड से जाकर अपना कॉपी पेस्ट कर लिया इसके बाकी फॉर्मेट को जो मैंने इसके ऊपर टाइप करना है, ठीक है। ये मैंने 6 कोर प्रोग्राम लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो मैंने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लिए हैं। एक को टाइटल में लिख दिया और बाकी इसके जो 6 कोर प्रोग्राम थे वो मैंने नीचे लिख दिए हैं। यहाँ से अगेन मैंने बोल्ड करके और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दी, मेरी आपके सामने 3 स्लाइड्स ओपन हो चुकी हैं। अगेन मैंने आपके दोबारा से यहाँ से मैंने इंसर्ट करने के बाद न्यू स्लाइड एक और इंसर्ट कर ली है। यहाँ पे आप देखिए खुद टाइप भी कर सकते हैं, मैंने टाइप करके दिखाया और मेरे पास तो चूंकि टाइप हुआ है वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे आपको मैं एक पिक्चर इंसर्ट करके बताती हूँ। देखिए आप इंसर्ट टैब में आकर पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से मैंने अपने कंप्यूटराइज टेबल में से डेस्कटॉप में से ढूंढना है क्योंकि मैंने इसका स्क्रीन शॉट लिया हुआ है इसका MS ऑफिस का, तो मैंने उसी को इंसर्ट कर लिया है। और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा टैब को मैं थोड़ा छोटा कर लूँगी ताकि यहाँ पे पिक्चर आ जाए क्योंकि ये अबाउट वर्ड है तो उसी की पिक्चर यहाँ पर बेहतर लगेगी। अब यहाँ पे मैंने अगेन MS वर्ड की जो टाइटल्स में से स्लाइड एक और ले ली है और अब मैंने यहाँ पर उसके ऊपर भी इसी तरह पेज क्रिएट करके लिख दिया है टाइप करके। तो आपके सामने मेरे पास 4 या 5 माइक्रोसॉफ्ट की जो स्लाइड्स हैं वो आ चुकी हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद टाइप करने के बाद हमारी प्रेजेंटेशन तभी निखरेगी जब हम इसके ऊपर स्लाइड्स या स्लाइड्स के ऊपर एनिमेशन या ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने डिज़ाइन वाले टैब में आई हूँ। डिज़ाइन के टैब में मैंने जैसे ही क्लिक किया
तो आप देख सकते हैं बहुत सारी डिज़ाइनिंग की टैब ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। मैं आपके सामने क्लिक करती जा रही हूँ, जिसके ऊपर भी क्लिक कर रही हूँ आप देख सकते हैं जो मेरी पहली स्लाइड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसका बैकग्राउंड चेंज होता दिखाई दे रहा है। देख लें, मैं जिसके ऊपर भी तब्दील करती जा रही हूँ, क्लिक करती जा रही हूँ माउस से, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इनमें से मैं कोई एक चूज़ कर लेती हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है। ऐसा करते हैं, ये वाला चेंज चूज़ कर लेते हैं स्लाइड का बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड जो स्लाइड है वो तमाम जो स्लाइड्स थी उनके ऊपर यही वाला फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट डिज़ाइन है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, उसके साथ जो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है फॉर्मेट बैकग्राउंड, और इसके अंदर सबसे पहले आपके पास सॉलिड फिल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें से कोई भी कलर अपनी स्लाइड का हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने कलर चेंज करके देखा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यही ठीक है। सेकंड ग्रेडियंट का आ जाता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कलर टेक्स्चर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पिक्चर का आ रहा है, आप बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इंसर्ट का टैब है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने देखें यहाँ पर आ गया। आपके फाइल में से कोई भी फाइल पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं लेकर, आपको ये बात एम एस वर्ड में मैंने पहले अच्छे से समझा दी हुई है। अब आप इसको ऐसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं डिज़ाइन के साथ। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि है ट्रांजैक्शन की फाइल। यहाँ पर अपनी स्लाइड के ऊपर ट्रांजैक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम इसके ऊपर ट्रांजैक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन के डिज़ाइनिंग हमारे पास आ जाएंगे, और हम अपनी हर स्लाइड के अंदर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन को भी अप्लाई किया जा कर सकते हैं। और बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ये लेआउट होता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्लाइड को किसी दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये स्लाइड की ट्रांजैक्शन को अप्लाई किया, तो देखें ये बिल्कुल कर्टन की तरह से स्लाइड हमारी ओपन हुई है, कर्टन हट के और ये आपकी स्लाइड ओपन हुई। इसके अलावा देखिए, मैंने सेकंड चूज़ किया, थर्ड चूज़ किया, बहुत सारी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इनमें से। अब आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन के बाद, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अप्लाई टू आल लिखा हुआ है। अप्लाई टू आल जब आप क्लिक कर देते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन अप्लाई की है वो तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि वो सब पर अप्लाई ना हो तो फिर आपको अलग अलग डिज़ाइन पर फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अब स्लाइड नंबर 2 पर क्लिक किया और अब यहाँ पर मैं कोई भी और स्लाइड अप्लाई कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने चेंज फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है स्लाइड नंबर 3 पर। स्लाइड नंबर 3 पर भी मैं फ्लिप वाली कोई लगा लेती हूँ, या पर डबल फोल्डर के साथ, ये देखें फोल्डर चेंज करने वाली मैंने स्लाइड लगा दी है, ट्रांजैक्शन सॉरी लगा दी है। अब नंबर 4 पर भी मैं इसी तरह यहीं पर ट्रांजैक्शन में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन चूज़ कर रही हूँ। नंबर 5 पर भी मैं सेम इसी फॉर्मेट के साथ, जो मैंने बॉक्स की मूवमेंट के साथ वाली ट्रांजैक्शन को अप्लाई कर लिया है। ठीक हो गया, ये आपकी ट्रांजेक्शन वाला फोल्डर था, इसमें अपनी मर्जी की तरह से आप कोई भी फोल्डर या कोई भी ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली होता है आपके टेक्स्ट को इन्हांस करता है, कैसे आप उभारना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपके पास मैं बहुत सारे ऑप्शन को क्लिक कर के बता रही हूँ, आपने इसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक न्यू स्लाइड लेते हैं और उस ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, लाइक थैंक यू लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे स्लाइड का, हमारी प्रेजेंटेशन का एंड है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, होम टैब में जाने के बाद इंसर्ट में आपके पास ये टेक्स्ट का जो आपके पास ऑप्शन है ना, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट टैब में से टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर थैंक यू लिख लेंगे और इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ये बेसिकली इसलिए मैंने न्यू स्लाइड बनाई ताकि मैं आपको एनिमेशन में से आखिरी वाली स्लाइड को कैसे हमने उबारना है यहाँ पर ऑप्शन में से बता सकूँ। तो देखिए, मैंने एग्जिट के ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो ये हमारी एक प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है। देखिए, मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। देखिए, हमने नोट किया कि हमने स्लाइड को जैसे ही आगे आगे क्लिक किया तो हमारा एनिमेशन दिखा ही नहीं। वो क्यों नहीं दिखा, इसके लिए आपके सामने ये देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम था जिसकी वजह से दिखाई नहीं है। मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया है तो आप देखें आपके सामने ये स्लाइड नंबर 2 पर जो मैंने एनिमेशन अप्लाई किया है कि ये जो उभरता वो आपके पास एमएस ऑफिस का अबाउट एमएस ऑफिस है वो दिखाई दिया है। ठीक है, ये ड्यूरेशन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं ड्यूरेशन के ऑप्शन में से। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, मैंने इसका ड्यूरेशन का साइज़ जो है वो कम कर दिया है या ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है ना कुछ डिले से आपकी जो है ना स्लाइड चले तो डिले के ऑप्शन में जाकर आप कहते हैं, देखिए मैंने 1 मिनट 25 सेकंड कर दिया कि मेरी स्लाइड अब कुछ डिले से चलेगी। देखिए, स्लाइड नंबर 1 मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए इसके ऊपर कुछ भी 1 सेकंड के बाद आया है। स्लाइड नंबर 2 के ऊपर देखें टाइटल अभी एकदम नहीं आएगा, थोड़े से डिले के बाद आएगा।
अब देखिए आप देख सकते हैं अब आपका ये उभरेगा। अब ये उभर रहा है क्योंकि ये डिले हो गया, मैंने यहाँ पर टाइमर लगा दिया तो मेरी स्लाइड डिले हो गई है। यानी अब आप अपनी स्लाइड को जितना भी टाइम देंगे आपकी स्लाइड उसी तरह उसी ड्यूरेशन के साथ डिले होकर स्टार्ट होगी। अगर आपको क्या करना हो, आपकी स्लाइड की प्रेजेंटेशन चल रही है, जैसे कि हमारी अब माइक्रोसॉफ्ट की स्लाइड चल रही है और आपको इससे बाहर निकलना है स्लाइड से, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड के ऊपर जाएंगे और कीबोर्ड में प्रेस ESC का बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस अपने होम टैब के ऊपर आ जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, इन फीचर्स के बाद हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स का आपको मैंने बताना बाकी है, वो बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउंड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साउंड के ऑप्शन में आपको, साउंड का मतलब यह है कि आप चाह रहे हैं कि आपकी स्लाइड जब ओपन हो तो कोई आवाज़ क्रिएट हो, तो आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने बहुत सारे साउंड पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देंगे। आप इनमें से कोई सा भी साउंड चूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपके सामने अभी कोई भी साउंड चूज़ करती हूँ तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने इसे सेटिंग में वॉल्यूम को ऑन नहीं किया हुआ। लेकिन आप जब अपनी वॉल्यूम करते हुए या अपने टास्क को करते हुए जैसे ही आप कोई भी इसमें से साउंड को चूज़ करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। फिलहाल मैं इसके ऊपर नो साउंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल नहीं अप्लाई करना। उसके बाद आगे चल जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास आ रहा होगा ड्यूरेशन। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है जी, इस ड्यूरेशन ऑप्शन की जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी हेल्प से हमारे जो स्लाइड के अंदर एनिमेशन लगी हुई होती है हम उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं अब F5 को प्रेस करती हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। F5 को मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया और साथ माउस पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे मेरी जो स्लाइड है बहुत धीरे से सेकेंड स्लाइड के ऊपर, पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर बहुत धीरे से गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइमर जो है वो 6 लगा हुआ है। अब मैं ज़रा टाइमिंग कम करके 1 सेकेंड करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से मेरी स्लाइड जो है मूव हुई है। इस ऑप्शन की मदद से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके नीचे जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल, अगर इस पर ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने अपनी स्लाइड के एनिमेशन के ऊपर जो भी सेटिंग की होगी वो तमाम स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप सबको एक ही जैसा करना चाह रहे हैं तो फिर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने टैब की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो जो मैं प्ले कर रही हूँ वो खुद से प्ले नहीं हो रही, मैं अपने माउस का बटन जो है वो प्रेस कर रही हूँ देन मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो आगे आगे स्लाइड्स चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके सामने जो ऊपर टॉप पे ऑप्शन है वहाँ पे ऑन माउस क्लिक पर टिक हुआ है, यानी कि आपकी जो स्लाइड है वो माउस पर क्लिक करने से ही, जब हम माउस पे क्लिक करें तो तब ही चले, इस पे हमने ऑप्शन क्लिक किया हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। बेसिकली जब हम कोई प्रेजेंट कर रहे होते हैं या कोई नोट्स बना रहे होते हैं या कुछ हमने किसी को डिलीवर करना होता है तो हमें ऑन माउस क्लिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपके सामने माउस पे क्लिक करती हूँ, मुझे कोई लेक्चर देना है, मैं कुछ डिलीवर कर रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो मैं जैसे ही माउस पे क्लिक करूँगी देन मेरा ये नोट्स का जो टॉपिक होगा या जो भी डिलीवर करना होगा वो आएगा, क्योंकि उससे पहले मैं बात कर रही होंगी, अपना लेक्चर डिलीवर कर रही होंगी तो मेरा टॉपिक डिलीवर नहीं होगा। जैसे ही मैं आगे नेक्स्ट कोई आपके बात करने लगूंगी, देखिए मैं माउस से क्लिक करूँगी देन मेरी स्लाइड आई, अब इसको रिप्रेजेंट करूँगी देन फिर माउस पे क्लिक करूँगी तब मेरा आगे एनिमेशन आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड ऑन माउस क्लिक पर ना हो, खुद ब खुद चले, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आफ्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप आफ्टर पे क्लिक करके साथ ऑन माउस क्लिक पर भी ओपन कर सकते रख सकते हैं। आप इन दोनों पर क्लिक करेंगे, इससे ये होगा कि आपका जो ऑन माउस क्लिक की वजह से माउस भी काम करता रहेगा और आपकी ऑटोमेटिकली जो स्लाइड्स हैं वो भी चलती रहेंगी क्योंकि आफ्टर का आपने एनिमेशन अप्लाई किया होगा, फीचर अप्लाई किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन है वो खुद बहुत चले और फिर बंद ना हो, फिर दोबारा से खुद बहुत चले, तो आप स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है लूप कंटिन्यूसली अनटिल ESC। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा। मैं सबसे पहले आखिर की 3 जो स्लाइड्स हैं वो डिलीट कर देती हूँ ताकि आपकी शॉर्ट सी जो है ना वो स्लाइड्स हों, ताकि आपको पता चल सके फ़र्क कि ये ख़त्म होने के बाद दोबारा से चल रही हैं या नहीं चल रही। तो देखिए आप यहाँ पर मैं चला के दिखाती हूँ, मैंने जैसे ही माउस पर क्लिक किया आपके सामने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आफ्टर पे क्लिक, सबसे पहले सॉरी मैंने यहाँ पर आफ्टर पे क्लिक नहीं किया था और अप्लाई टू ऑल करना ताकि तमाम पर ये सेटिंग अप्लाई हो सके। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा मैंने जैसे ही F1 क्लिक किया, देखिए ये पहली स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड आपके सामने आ चुकी है और अब आपके सामने थर्ड स्लाइड आप आई है, थैंक यू। और अब देखें दोबारा से ये स्लाइड खुद बहुत ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है, मैंने इसको अगेन से स्लाइड को ऑन नहीं किया।
कि आप देखें फिर से ऑन हो चुकी होगी। फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इस पर एनिमेशन और ट्रांजेक्शन लगानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपका आज का टास्क यही है कि आपको एक अच्छी सी टॉपिक को लेकर उसके ऊपर 4 से 5 स्लाइड्स की जो है प्रेजेंटेशन बनानी है और मुझे चेक करवानी है, और उसके ऊपर एनिमेशन और ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी पावर पॉइंट की दूसरी क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।